दिल्ली एनसीआर में फिर लगातार घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन घना कोहरा छाया हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जो विजिबिलिटी है सड़कों पर बेहद कम है, ना के बराबर है। लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है। यही नहीं, कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। हवाई सेवाओं पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। कल की भी बात करें तो बड़ी संख्या में जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई थी, कई उड़ानें देरी से शुरू हुई। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार यात्रियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और यही वजह है कि रेलवे स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, लेकिन ट्रेन लेट होती जा रही है। तो वहीं अगर हम हवाई सेवाओं की बात करें तो कई जो यात्री हैं, हालांकि कल काफी आक्रोशित भी नजर आए कुछ यात्री, एक वीडियो भी सामने आया था, और उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है, टाइम टेबल बनाया जा रहा है और इस तरह का जो व्यवहार है वो यात्रियों से अपेक्षित नहीं है। हालांकि लोगों से सब्र और पेशेंस होने की जो अपील है वो यहां पर की जा रही है, लेकिन लगातार जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट और घने कोहरे में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, रनवे की तस्वीरें हैं, घना कोहरा छाया हुआ है। और अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो रनवे पर एक अच्छी विजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई उड़ान टेक ऑफ या फिर कोई फ्लाइट लैंड कर सकती है। और ऐसे में अगर विजिबिलिटी कम रहती है तो उसके बाद हवाई सेवाओं पर असर पड़ रहा है, ट्रेनों की गति भी धीमी हो गई है। Z News.